कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि श्री कृष्ण की ही वंदना कर रहे हैं, श्री कृष्ण की ही जय जयकार कर रहे हैं, और ये तो रामनवमी का विषय है। ऐसा नहीं है, ये भ्रम मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए कि राम कोई और है, श्री कृष्ण कोई और है। देखिए अध्यात्म रामायण में लिखा है, मायातीतम माधव माद्यम जगदादिम। हे राम, तुम मायातीत हो, माधव हो। माधव? अरे माधव तो श्री कृष्ण है। अरे वो एक बात है, ये अध्यात्म रामायण कह रही है। वंदे रामम मरकत वर्णम मथुरेशम। मैं राम आपकी वंदना करता हूं क्योंकि आप मथुरा के ईश हैं। मथुरा के ईश तो श्री कृष्ण है। वंदे वृंदारण्य वंदित वृंदारक वृंदम। अध्यात्म रामायण, वृंदावन में विहार करने वाले हे राम तुमको नमस्कार है। राम कृष्ण को दो मानना नामापराध है। राम क्या करते हैं, योगियों के परमहंसों के मन को खींचते हैं, और श्री कृष्ण क्या करते हैं वो भी उन्हीं का काम है। डिटेल हम नहीं कर सकते इस समय, तात्पर्य ये है कि राम कृष्ण में इतना भेद भी न मानो जितना कि पानी और सलिल में होता है। देखो वेद में जो मंत्र है, आप लोग कीर्तन करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, ये वेद मंत्र है। हरि राम कृष्ण सब पर्यायवाची। अस्तु, वेद में तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं। क्षरम प्रधानम अमृता क्षरम हर क्षरात्माना वीषते देव एका ज्ञाग्यो द्वावजा वीषनीषा। एक वो हो, एक मैं, एक ये है। वो हो ब्रह्म भगवान परमात्मा अनेक नाम, ये है माया मैं जीव। बस इन तीनों को जानना है। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम् किंचित् भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा। ये तीन है, भोक्ता जीव, भोग्य माया, प्रेरक भगवान। बस इन तीन को जानना है और कुछ जानना ही नहीं है। ठीक, चलो जाने फिर। उसको जानो, उसको जानो तो यह भी समझ में आ जाएगा, मैं भी समझ में आ जाएगा। तस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। उसको जान लो तो सब कुछ अपने आप जान चुकोगे। जानना नहीं होगा पृथक पृथक। वह कौन है? वेद कहता नच तस्यास्ति वेत्तात्माहुरग्रं पुरुषं महान्तम्। उसको कोई नहीं जान सकता। लो छुट्टी हो गई। प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता हा। लोक में कहावत है, पहला गस्सा खाने के लिए जैसे हाथ को बढ़ाया मक्खी गिर गई। वेद ने कह दिया उसको नहीं जान सकते, खबरदार।
पूछा क्यों नहीं जान सकते? तो वेद ने कहा इंद्रिय परार्थार्थे व्यक्त परम मनः मनसा सुपरा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परमहता परम अव्यक्तो अव्यक्ता पुरुषा पर पुरुषा न परम किंचित साकाष्ठा सा परागति। वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वहां इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं है, क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि प्रेरज है, वह प्रेरक है, वह प्रकाशक है। इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश है, इंद्रिय मन बुद्धि माइक है, वो दिव्य है। अतएव कोई भी माइक बुद्धि सरस्वती बृहस्पति के भी आगे कोई हो तो भी भगवान को नहीं जान सकते। वेद कहता है अरे इंद्र ब्रह्मा शंकर क्या जानेंगे, हे श्री कृष्ण तुम भी अपने आप को नहीं जानते। ए लो और सुनो, श्री कृष्ण भी अपने आप को नहीं जानते। हाँ क्यों? अनंततया, तुम्हारी सब बात अनंत है, तो अनंत का अंत तो हो नहीं सकता। तुम अनंत काल तक बताते जाओ मैं कौन हूं तो भी अनंत बचेगा। इसीलिए तो नेति नेत्य स्थूल मनणु वेद कहता है, ऐसा है भगवान, ऐसा है, मैं इतना ही नहीं कह सकता कि इतना ही है, पता नहीं कितना है, सरेंडर कर देता है वेद। गीता भी आपकी यही कहती है, माम तु वेद न कश्चन, अर्जुन मुझको कोई नहीं जानता। और इसके साथ साथ आपके भागवत भी यही कहती है, जानंत एव जानंतु, जो कहता है कि मैं जानता हूं उसका दिमाग खराब है। मनसो बचसो, मन से वचन से बुद्धि से आप अगोचर हैं, ये ब्रह्मा कह रहा। नाहं न जूयं यदितां गतिं विदुर न वाम देवा। अरे ब्रह्मा कह रहा है शंकर भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता उसको। ना हम बिरिंचो, कोई नहीं जानता। कुमार नारद न ब्रह्म पुत्रा मुनय सुरेशा। रामायण तो आप जानते ही हैं, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार। जग पेखन सब देखन हारे विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा और तुम ही को जानन हारा। ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान सकते, ब्रह्मांड के अथॉरिटी, ब्रह्मांड को गवर्न करने वाले क्यों नहीं जान सकते? ये बता दिया आपको, भूलेंगे नहीं। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। क्यों? कि गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानहू भाई। इंद्रिय मन बुद्धि कितनी ही बड़ी लिमिट की हो, लिमिटेड होगी और माइक होगी, और भगवान अनलिमिटेड है और दिव्य है। अगर किसी की बुद्धि भगवान को जान ले, ध्यान दो,
अगर किसी की बुद्धि भगवान को जान ले तो सुप्रीम पावर भगवान नहीं कहलाएगा, बुद्धि कहलाएगी, क्योंकि उसने प्रकाशित किया भगवान को, उसके अंडर में हो गया भगवान। अस्तु, भगवान को कोई नहीं जान सकता।